Good afternoon, everyone. After completing the first chapter, today we're going to start the lesson number 2. The name of the lesson is My Family, Hamara Parivar. इस चैप्टर में हम दो पॉइंट्स पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ द फैमिली एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द फैमिली. यानी कि बच्चों को आप ये चैप्टर अपनी भाषा में समझा सकते हैं. पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि फैमिली क्या होती है और इम्पॉर्टेंस ऑफ द फैमिली, यानी कि हम फैमिली हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंस होती है. सो डियर चिल्ड्रंस, ईच ऑफ अस हैज़ अ फैमिली. हर किसी के पास एक परिवार होता है. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस मेक अ फैमिली. हर परिवार में जो हमारे बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और बच्चे मिलकर एक पूरे परिवार को पूरा करते हैं. वी लव एंड केयर फॉर इच अदर इन अ फैमिली. हम फैमिली में हर एक सदस्य से प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं. आप ये वीडियो प्रॉपर बच्चों को दिखाएं और जो भी फोटोज़ वगैरह इसमें हैं उन्हें शो करके समझाएं. पेज नंबर 13 पे आप ये पेस्ट देख सकते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्स. तो जिनके पास बुक अभी प्रोवाइड हो चुकी है जिनको, वो यहाँ पर अपनी फैमिली फ़ोटो लगाएंगे, और जिनके पास नहीं है, जब बुक आ जाएगी तो फैमिली फ़ोटो पिक क्लिक करना है यहाँ पर. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ द फैमिली. इच फैमिली इज़ अ स्पेशल एंड डिफरेंट. हर एक फैमिली बहुत स्पेशल होती है और हर एक फैमिली एक दूसरे से अलग होती है. कहीं पर ज़्यादा मेंबर होते हैं, कहीं पर कम मेंबर्स होते हैं. इच फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. हर परिवार में मम्मी पापा और बच्चे होते हैं. वंस मदर एंड फादर आर कॉल्ड वन पेरेंट. यानी कि हमारे पेरेंट्स हैं, एक मम्मी एक पापा हमारे पेरेंट्स कहलाते हैं. सम ऑफ अस हैव ब्रदर एंड सिस्टर हु आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली. मम्मी पापा के अलावा जो व्यक्ति है वो खुद रहता है और आपके भाई बहन भी उस परिवार में रहते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम स्मॉल फैमिली और बिग फैमिली में. अब देखिए, यहाँ पर आपको दो पिक्चर शो हो रही है जहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स हैं, एक बच्चे और एक बच्चा और, यानी कि टोटल सिर्फ 4 मेंबर्स हैं. उन्हें हम कहते हैं स्मॉल फैमिली. अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ अ पेरेंट्स एंड अ चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली. ठीक है, जहाँ पेरेंट्स होते हैं और एक दो बच्चे होते हैं वो स्मॉल फैमिली कहलाती है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर वी हैव दिस पिक्चर हैव ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल एंड देयर चिल्ड्रंस यानी कि कजन्स, सम वन पर्सन एंड देयर सिबलिंग. ठीक है, मतलब इस पूरी फैमिली में अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल एंड कजन्स आर कॉल्ड अ बिग फैमिली. जिस परिवार में दादा दादी, अंकल आंटी, बड़े मम्मी पापा, मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारा सगे भाई बहन रहते हैं, उन्हें हम बिग फैमिली कहते हैं. नेक्स्ट है, अवर फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. दे लव एंड केयर फॉर अस. वो हमारा ख्याल रखती है, हमसे प्यार करती है, सपोर्ट करती है. दे हेल्प अस इन नीड. जब हमें ज़रूरत होती है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत. जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारी फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ रहते हैं. फैमिली प्रोवाइड वार्म्थ एंड सपोर्ट. हमेशा हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है. फ़न विथ फैमिली. हमारी फैमिली के साथ हम ऐसे कई मोमेंट क्रिएट करते हैं जो हमारे लिए बहुत यादगार होते हैं. जस्ट लाइक वी हैव फन विथ आर फैमिली, वी शेयर आवर हैप्पी एंड सैड मूवमेंट. हम अपने परिवार के साथ हमारा सुख और दुख सब बांटते हैं. हम अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं. सम फन थिंग्स दैट वी कैन डू विद आवर फैमिली इंक्लूड. और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने परिवार वालों के साथ मिलकर करते हैं और एक अच्छा समय बिताते हैं. जैसे कि लिसनिंग टू बेड टाइम स्टोरी. जब रात में आपको दादी नानी या मम्मी कहानियाँ सुनाती हैं तो ये भी आपकी फैमिली के साथ ही हो सकता है ना. फिर गोइंग टू पिकनिक. आप अपनी फैमिली के साथ गोइंग घूमने जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, ये भी फैमिली के साथ ही हो सकता है, फैमिली से अलग तो नहीं हो सकता. इसके बाद गोइंग ऑन फैमिली वेकेशंस. फैमिली के साथ कहीं दूर किसी हिल स्टेशन में या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ हमारे शहर से दूर रहता है, उसे वेकेशन कहते हैं छुट्टियों में. ईटिंग टुगेदर, साथ में बैठ के खाना खाना, ये भी फैमिली टाइम होता है. मतलब ये जो सारा समय होता है फैमिली के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, ये हमारे लिए बहुत ही यादगार होता है.
सो लुक एट द सम पॉइंट्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े थे. चैप्टर बहुत छोटा सा था. अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. हर एक परिवार में पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं. सम फैमिलीज आर बिग वाइल अदर आर स्मॉल. कुछ फैमिली छोटी होती हैं, कुछ फैमिलीज बड़ी होती हैं. ईच फैमिली इज स्पेशल एंड डिफरेंस. हर फैमिली बहुत ही एक फैमिली दूसरी फैमिली से अलग होती है और बहुत स्पेशल होती है. अ स्मॉल फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. छोटे परिवार में मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं. अ बिग फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट्स एंड कजन्स. और बड़े परिवार में दादा दादी, अंकल आंटी, मम्मी पापा और हमारे भाई बहन रहते हैं. अवर फैमिली लव्स एंड केयर फॉर अस. हमारी जो फैमिली है वो हमें प्यार करती है, हमारा ध्यान रखती है. वी हैव लॉट्स ऑफ फन विद आवर फैमिली. और हम अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं.